पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाए जाने, महिला उत्पीड़न को रोकने और महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से सर्किट हाउस में जागरूकता चौपाल शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी नरेश चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह उपस्थित रही। राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह द्वारा महिलाओं की समस्याओं को सुना गया और सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जन सुनवाई में घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों को सुना गया। कार्यक्रम में अन्य प्रकरण भी सामने आए। आज हम जन सुनवाई के लिए बैठे हैं। अधिकतर तो घरेलू हिंसा के केस हैं, लेकिन कुछ इसमें जो जमीनी विवाद हैं वो लोग महिलाएं आ गई हैं यहाँ पे कि कोई हमारा भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं महिलाएं, तो आ गई कि हमारी भी सुनवाई होगी। और हम जो भी केस आते हैं हमारे पास, चाहे जमीनी विवाद हो, घरेलू हिंसा हो, तो हम सोचते हैं कि उनकी मदद हो, क्योंकि एक आस लेके हमारे पास आते हैं, तो कोशिश पूरी करते हैं कि उन सभी की मदद हो। कितने मामले आज हमारे पास 11 केस आए हैं जो अधिकतर घरेलू हिंसा से ही पीड़ित हैं सारी महिलाएं। कुछ कम्प्रोमाइज भी यहाँ पर कराए गए? हाँ, कम्प्रोमाइज़ के लिए पहले तो कोशिश यही रखती है कि भाई किसी का घर बस जाए, और अगर दिखता है, लगता है कि नई बात बनेगी, रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई है, तो आगे की कार्रवाई के लिए हम आगे संबंधित अधिकारी को बोल देते हैं। मिशन शक्ति के तहत ये प्रोग्राम किया गया है, क्या कुछ योजनाओं के बारे में भी गवर्नमेंट की कुछ बताया गया? हाँ, वो बताते हैं। जन सुनवाई हमारी होती है, जन सुनवाई के बाद ग्राम चौपाल लगाई जाती हैं, तो एक ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं हम चौपाल, ताकि भाई यहाँ तो सारे अधिकारी बैठे हैं और पीड़ित महिलाएँ आती हैं घरेलू हिंसा से पीड़ित, लेकिन हमारे जो सरकार की तरफ से योजनाएं आई हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आदेश भी हमें मिले हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रोग्राम रखें, और करना भी हम ग्रामीण क्षेत्र में चाहते हैं, क्योंकि उन लाभों का पता तो चले कि किसको क्या लाभ ऊपर सरकार की तरफ से आ रहे हैं, तो जन उनका लाभ ले सके। महिला जन सुनवाई में किस तरह का फीडबैक सामने आ रहा है, आपका बता रहा है ग्रामीण इलाकों में जाकर जन सुनवाई कर रहा है, किस तरह का फीडबैक सामने आ रहा है? देखिए, पहले तो मेरा ये कहना है कि जागरूक बहुत हो गई महिलाएं। पहले भाई अत्याचार सहती थी और बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन अब अपने हक के लिए महिला खड़ी है। और अभी हम कोशिश हमारी पूरी तरह से ये है कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि अभी भी सहन करती हैं, बर्दाश्त करती हैं, बाहर नहीं आती हैं, लेकिन उनको भी इंसाफ मिले, तो हम इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में और जन चौपाल हमारी लगती हैं हर महीने, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि उनका जागरूक किया जाए लोगों को कि भी अपने हक के लिए खड़ा होने कोई गलत नहीं है, सही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।